अपना राज रखना है ना? हाँ सर हाँ। तो तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में रह के मेरे लिए काम करना है। मतलब कोई भी सस्पिशियस केस जिसमें ब्लैकमेल करने की गुंजाइश हो उसकी इंफॉर्मेशन तू मुझे आके दे दे। क्या है, जब तक तू इन्फॉर्म करते रहेगा तेरा राज राज रहेगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए इससे भी बेहतर और बड़ा ऑफर लेकर आया हूँ। ऑफर बोले तो? सफेद कुटिया। सफेद कुटिया? नहीं, कुटिया नहीं सर, सफेद कुटिया, लाइक व्हाइट हाउस। सर हमारा ना गांव में एक ऐसा घर है सर, घर क्या मतलब हवेली है सर, मतलब कुटिया कहते हैं लेकिन सच में बहुत बड़ी हवेली है। मैं आपको वो दे दूंगा सर, बस वो लेके आप ये सब रफा दफा करो ना। नहीं, मेरे को तेरा वो सफेद कुटिया कुटिया वो नहीं चाहिए। तेरे को मेरा ऑफर मंजूर है तो बोल। हे बोले। हाय चंपू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं वेरी गुड। अभी मेरे को तेरा कोट ही नहीं मांगता है और ना ही तेरे से कोई काम करवाना मांगता है। अपना बंदूक निकाल। बंदूक निकाल अपना। ये मुझे नहीं निकलेगा, आपको ही निकालना पड़ेगा। कर क्यों दे? और मार दे इसको। मार दे इसको, इधर ये खत्म, तेरा राज खत्म। इस सब का इससे क्या लेना देना, ये तो प्यारी सी है, भोली भाली सी, ये तो दुनिया में प्यार बांटने आई है, खुशियां बांटने आई है, सिर्फ भले इंसान का घर बसाने आई है, उसके चार पांच छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बनने आई है। अरे मेरे धंधे की वाट लगाने आई है ये। मैं दुनिया को ब्लैकमेल करता हूँ और ये मेरे को ब्लैकमेल करने निकली है। देखिए मेरी बात सुनिए। देख मार वरना मैं तेरा राज इसके सामने खोल दूंगा। हे भगवान, अगर यहाँ चंकू के सामने इसने मेरे बाल विवाह का राज खोल दिया तो खड़े खड़े मेरे सारे सपने लेट जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है गुल्ली जी, क्योंकि इस चुप, कुछ नहीं बोला। और अब तो मैं दोनों को मारूंगा। मैं देखो तू ब्लैक में रखम सस्ता जादूगर ज्यादा लगता है मुझे, बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाने वाला। अबे इतनी गर्मी में इतने सारे काले कपड़े कौन पहनता है? हाँ वही लोग पहनते हैं जिनके अंदर चर्बी बहुत होती है। चल जेल में डाल के तेरी चर्बी उतारता हूँ और तेरे अंदर दफन हर राज को निकालता हूँ। चल अगर ये पकड़ा गया तो ये मेरा राज सबको बता देगा, इसे बचाना होगा। भाग 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 भाग। नहीं मारा, क्या कर रहे तू? जाने दे उसे, आ दे, जाने दे उसे, जाने दे, जाने दे, क्या कर रहा है तू? रुक जा, गया तू, रुक रुक जा, इधर आ। अरे ए तुम कौन हो? ओ अच्छा 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 अच्छा, तो मामला डिस्गाइस में चल रहा था, इस बदल बदल के तू लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। आधा है चंद्रमा रात आधी, अब तुझे बताता हूं क्या चीज है आधी। और मानव तू क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, हैं? क्यों? वो एक राज। ओफो गुल्ले जी, मैं कब से आपको वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस आदमी के पास किसी का कोई राज ही नहीं है, ब्लफ कर रहा है ये आदमी। ये कोई राज नहीं जानता? कोई राज नहीं जानता मतलब इसे कुछ नहीं पता है? क्या कर रहा है मानव? क्या कर रहा है? नहीं छोड़। क्या कर रहा है मानव? तू कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्या 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 क्या, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? मतलब ये राज वाली चिट तूने बनाई मेरे लिए, मुझे इतना डरा डरा घूम रहा हूं मैं इतने दिनों से, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और मैं ही क्या, इतने सारे और लोग, खबरी सर, चंकू, डीआईजी, वो सबको लग रहा है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और ये सब कर रहा है तू। शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी वजह से हम सब घबराए घूम रहे हैं, तेरी वजह से। वजह से नहीं, तेरी वजह से। तू क्या मुझ पे चढ़ा जा रहा है? तेरी वजह से, तेरी ओछी हरकत की वजह से मैंने ये हरकत की। तूने जो मेरे फेस वॉश में मिलावट करके मेरा चेहरा खराब कर दिया था ना, पिंपल ले आया था, दाने दाने हो गए थे मेरे चेहरे पर, उस हरकत का जवाब दिया मैंने तुझे। और उस मौके का फायदा उठाकर तूने चंपू को मेरे खिलाफ भड़काया भी।
दस बार मना कर रहा हूँ, मत कर, फिर भी करे जा रहा है तू। और तुझे क्या लगता है चंकू को तेरी इस हरकत के बारे में पता नहीं होगा? तेरी इस चीप सी हरकत के बारे में ना मैंने चंकू को सब कुछ साफ साफ बता दिया है, और तेरी बालिका वधू के बारे में भी बता दिया है। अब क्या होगा तेरा? देख चंकू है, चंकू को वैसे भी शादीशुदा लोगों में कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो आज से तेरा और चंकू का पत्ता कट। सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब पछताए तो हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देख यार जोड़ियां तो यार ऊपर वाला बनाकर भेजता है। ऐसा नहीं है, मैंने बनाई थी एक जोड़ी। जाना उसके पास, भाभी से तो जा रहा है तो उसके पास। अरे उसकी बात कर रहा हूँ, चंकू के साथ जोड़ी बनाई थी। देख माता, अब ना चंकू का नाम अपनी जिंदगी के कागज पे से मिटा दे दे, कि जोड़ी तो कहीं और बनने वाली है। अब तू जा गाँव में अपनी बालिका वधू के साथ जाकर अपना खेती बाड़ी कर, दूध वूध निकाल, गोबर के गंडे वंडे बना। लेकिन ब्रदर आई विल मिस यू माई पार्टनर। काका बोलिए। काका बोलता है बेटा, एक बुरी खबर है। अरे वो सरस्वती तेरी शादी हुई थी ना किसके साथ, भाग गई किसी लड़के के साथ बेटा, तो कुंवारा का कुंवारा ही रह गया। हेलो काका। डाक की चिक्की। मेरी बीवी भाग गई। मेरी बीवी भाग गई। अभी बोल। अरे मेरी जान तू समझती नहीं है, अरे मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, खाली तू वजन करके देख ले। अरे मेरा प्यार तेरे वजन से ज्यादा है, मेरा मतलब है कि मेरा प्यार का वजन तेरे प्यार के वजन से ज्यादा होएगा। बोल रहा हूँ तेरे को मैं, समझती रही तू मेरी बात? एक सेकंड, कोई फोन आ रहे ले। अरे शन्नू भाई का फोन है, मैं तेरे को बाद में करता हूँ। हाँ सो जा, रात भर जागी है तू। हाँ गोगोल कहाँ है तू? अरे हम इधर ही आ रहे जंगल में, साला लगता है इधर में हम भटक गया है, समझ में नहीं आ रहा है किधर है हम, पूरा जंगल एक जैसा लगता है, समझ में नहीं आ रहा है हम आ रहा है कि साला जा रहा है। सच बोल तू नकल मार के कमिश्नर बना है ना? अबे अक्कल के ढक्कन। अरे किसी छोटे मोटे जानवर को डरा है तो जानवर जान बचा के जिस तरह भागेगा ना उसकी उल्टी तरफ तो भाग जाए, जंगल के बाहर हो जाएगा। ये तुमको कैसे मालूम है ऐसा करने से जंगल से बाहर जाएगा? सीधी सी बात है यार, जानवर जान बचाने वो किधर भागेगा? जिधर किधर भी उसका सेफ्टी जगह होगा ना उधर भागेगा ना, और सेफ्टी जगह किधर? उसका अपना घर, उसकी उल्टी दिशा में भाग, जंगल के बाहर हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? बाबा रे बाबा, तुम कितना इंटेलिजेंट है रे, तुम्हारा अभी तक किसी ने कदर नहीं किया रे, तुम तो हमारे से भी बड़ा ऑफिसर बन सकता था। सच्ची बोलता हूँ, आज बाबा होता था तो तुम्हारा नाम पे कितना फकड़ करता था रे। ए भाई तू हिंदी में उर्दू मिक्स मत कर, मिक्सर में से कुछ और ही निकलता है। अभी तेरा काम हो गया ना, हम रखो फोन। एक मिनट फोन मत रखो रे, एक जरूरी बात करना है। देखो हमारा एक दोस्त था है ब्रिज मोहन सिसोदिया, वो हमारे साथ पुलिस ट्रेनिंग में भी था, उसको कुछ हेल्प चाहिए हमारे से। हाँ वो पुलिस हेडक्वार्टर में आ रहा है, उसका हेल्प करो रे, ठीक है? अरे कौन सा नया मुसीबत डाल रहा है मेरे सर पे यार तू, ब्रिज मोहन का हेल्प करना है क्या ये? हे कौन ना है रे, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, तुमको मालूम नहीं है? उसने हमारा जान बचाया, आज हम जिंदा है तो उसका वजह से। मालूम है उसने गोली खाया है सीना पर हमारे लिए, मारते मारते भी बच गया है वो, उसका मदद करना पड़ेगा, हमारा जीवन उसका रूनी है। क्या है? रूनी कर जो दौड़। ए भाई तू सीधा बोल ना यार, क्यों हिंदी उर्दू की बात लगा रहे ना भाई? अभी ए ज्यादा बात मत करो, मदद करना है समझा कि नहीं? हाँ वो अभी तुम्हारे पास आएगा हेल्प के लिए, जो कुछ हेल्प चाहिए वो पूरा करो, ठीक है? अभी हम किसी जानवर को डराता है, जैसे वो जंगल के अंदर भागेगा उसका अपोजिट में हम भी भागेगा, ठीक है? हाँ मैं कमिंग सर। कम 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 कमिंग सर। हाँ। इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन जी आए हैं,
अब से मिलने वाड़ा थाने से। अरे उसको भेजो भेजो, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। भेजो भेजो जल्दी। रक्षा कर मित्र, रक्षा कर, मेरा थाना बचा ले। अभी तू ही है जो कुछ कर सकता है। बचा ले मित्र, बचा ले। समझ गया भाई, क्या है, हुआ क्या? देख, तुझे तो ज्ञात है कि 10 वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति वाड़ा थाने में हुई थी, थाना अध्यक्ष के पद पर। सब कुशल मंगल, सब अच्छा चल रहा था, किंतु एक समस्या आन खड़ी हुई है मित्र। क्या हुआ? थाना ठीक से चल नहीं रहा है। मेरे थाना क्षेत्र में अपराध ही नहीं हो रहे हैं, हो भी रहे हैं तो ऐसे जैसे निर्वसन के समय कोई किसी का लोटा लेकर भाग गया, किसी की बकरी किसी के खेत में घुस गई, पड़ोसी के कुत्ते ने घर में मल मूत्र कर दिया। बता, ये भी भला कोई अपराध है? अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समस्या ये है कि सरकार का कहना है क्योंकि मेरे थाना क्षेत्र में अपराध नहीं हो रहे हैं तो वहाँ थाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मेरा थाना बंद करना चाहती है। तो अच्छा है ना, बंद कर दे, इसमें वांदा क्या है? वांदा कैसी बातें कर रहा है गोगी? थाना बंद हो गया तो थाना से जुड़े लोगों का क्या होगा, मेरे क्षेत्र के निवासियों का क्या होगा? विवाह ऋतु चल रही है, ऐसे में तो ऋतु बोले तो ऋतु जैसे वर्षा ऋतु, ऐसे विवाह ऋतु लोगों से अग्रिम राशि ली हुई है। ली हुई है? एडवांस, एडवांस लिया हुआ है। ऐसे में लोग विवाह का आयोजन कहाँ करेंगे? मतलब हमारा थाना खाली पड़ा रहता है ना, तो हम क्षेत्र के निवासियों को सुविधा हेतु अपना थाना विवाह आयोजन, बच्चे का मुंडन, जन्मदिवस, शोक सभा, इन सभी के लिए किराए पर उपलब्ध करवाते हैं। मतलब वाड़ा पुलिस चौकी बारात घर, उसी से तो चलता है लोगों का आय व्यय। आय व्यय, आय व्यय, खर्चा पानी, ऊपर का खर्चा पानी। ये कैसी भाषा बोल रहे ला भाई, ऐसी भाषा बोल जो मेरी समझ में आ रही। यार हिंदी गोगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अरे भाषा से याद आया, तेरी भाषा को क्या हो गया? यार वो तो पहले से भ्रष्ट थी, किंतु अभी तो एकदम कचरा कर दिया है। ए, मेरी भाषा का गोगा पाशा छोड़, पॉइंट पे आ और बोल के प्रॉब्लम क्या है तेरा भाई। अब बता क्या है? क्या प्रॉब्लम से क्या? अपना थाना सुरक्षित रखने हेतु मैंने सरकारी विभाग के लोगों को कह दिया कि मेरे यहाँ भी अपराध होते हैं, वहाँ भी थाने की आवश्यकता है। मैंने झूठ बोल दिया कि आज अभी प्रातःकाल ही एक मृत देह मिली है। क्या मिली है? मृत देह, शव, लाश, डेड बॉडी। मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली से सरकारी विभाग के कुछ लोग आज मेरे थाने में आ रहे हैं दोपहर 2 बजे निरीक्षण करने हेतु, ये प्रमाणित करने की वास्तव में वहाँ थाने की आवश्यकता है या नहीं। संभवतः वो लाश के विषय में प्रश्न करेंगे, शव देखना भी चाहेंगे। तो? किंतु शव तो है ही नहीं, क्या दिखाऊंगा? तो दे दादी शव। येड़ा हो गया लगा यार, कहाँ से लाऊं मैं शव? शव चूड़ा भापड़ी है क्या? शव मांग रहे ला, लाश है, लाश है ये। गोगी देख, तेरे मुख्य रक्षा सचिवालय पर भगवान की पूर्ण कृपा है, संभवतः दिन प्रतिदिन अपराध होते ही रहते हैं, लाश भी मिलती ही है, तो आधे घंटे के लिए मुझे एक लाश दे दे, मेरा थाना बच जाएगा। ये भाई तू लाश मांग रहा है क्या? पाव किलो कीमा मांग रहा है? मैं क्या लाशों की दुकान खोल के बैठा हूँ क्या? लाश लाश क्या है यार, लाश क्या, क्या बात क्या कर रहा तू यार? गोगी, गोगुला, तुझे संभवतः स्मरण नहीं है, मैंने तेरे लिए प्राण घातक धातु यंत्र खाई है। झूठ मत बोल, तूने गोली खाई है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, प्राण घातक धातु यंत्र। उसको गोली बोलते क्या? हाँ गोली, वो भी दो दो। अपने प्राणों पर खेल करते रहे, प्राणों की रक्षा की है मैंने, और तू मेरा थाना नहीं बचा सकता, एक लाश नहीं दे सकता। धिक्कार है तेरी मित्रता पर, ये मानवता तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी, मेरी आत्मा कभी तुझे क्षमा नहीं करेगी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा। रुक 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 रुक, ब्रेक मार, ब्रेक मार, मेरी बात सुन भाई। अरे सोचने दे मेरे को यार, कुछ करते ना। धन्यवाद बोलकर मैं तेरी मित्रता की महानता को तुच्छ नहीं करना चाहता,
मुझे ज्ञात था कोई दे ना दे तो अवश्य देगा। लाश मेरा साथ, चलता हूँ। शव 2 बजे दोपहर तक वाड़ा पुलिस चौकी पहुंच जाना चाहिए। मैं प्रतीक्षा करूंगा तेरे शव की। मेरे शव की? तेरे भेजे हुए शव की। ऐसा बोलना है? चलता हूँ। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे बाप रे, अभी मर जाता मैं, 2 मिनट के बाद में मेरी लाश ले जाता ये। ये गोगोल तुरे कहाँ फंसा है यार? तू भाई है, दुश्मन है मेरा यार, कौन है यार ये? अरे वाह रे छोटू, तेरे हाथ में तो चंपा भाई जैसी जादू है रे। हेलो सलीम तोते, अबे पिंजरे में है क्या? पिंजरे के बाहर? अबे गोगोल खबरी बोल रहा हूँ। अरे मालूम है ना भाई, ये क्या फोन पे इतना बड़ा बड़ा नाम आयला है, खुगोल भाई। अरे किधर है भाई, इतना दिन से दिखेला नहीं है। अरे वो छोड़ रे, सुन जिसके लिए ब्रदर वो फोन किया, तेरे से मेरे को काम है। अरे हुकुम करो भाई, मेरे को एक लाश चाहिए। नाम बोल भाई, अभी गिरा के पहुंचाता हूं, अभी। अबे गिरा के पहुंचाने का नहीं है, पहले से मरी हुई लाश चाहिए। बोले तो रेडीमेड डेड बॉडी। हाँ। औरत या मर्द? मर्द होगा तो अच्छा रहेगा। बुड्ढा की जवान? अरे कोई भी यार। शादी शुदा या कुंवारा? अरे कोई भी चलेगा यार, शादी शुदा तो ऐसे जिंदा लाश होता है। बटला या लंबा? ये भाई तू क्या डेड बॉडी से बॉडलिंग करवाएगा मेरे से? तेरे को बोला लाश भेज तो नखरे कर रहा है, लाश भेज। भाई अब ये स्टॉक में तो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टाइम देने का, अभी टपका के भेजता हूँ। रख फोन। देखिए हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं, तो ये बताना कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि हर केस की तरह हम ये केस भी बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। आप लोग तो जानते हैं जहाँ पार्टनर्स होते हैं वहाँ कोई भी केस, कोई भी मुजरिम ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। क्यों पार्टनर? एकदम सही कही पार्टनर। जुर्म की दुनिया को वो स्लोगन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पार्टनर वहां गलती ते भी कछु मत कर। अरे यार जमीन ते नाम और निशान मिटा डालेंगे जुर्म की दुनिया को। जी वापस खड़ा वहां पर, ऐसा अंधड़ मचेगो ना, ऐसा बवाल मचेगो कि उड़ जाएगा सब कछु, मिटा के गोल कर देंगे जुर्म की दुनिया को। जला के राख कर देंगे जुर्म की दुनिया को। जय पार्टनर्स। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सपना? चौधरी मत बन, हाँ ज्यादा बातें मत बना, होश में आजा डीआईजी, हम क्राइम स्पॉट पे इस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए, सो मत तू मेरे सामने। सॉरी सर, वो गलती से आंख लग गई थी। लेकिन सर हमने नींद में इतना एक जबरदस्त सपनों देखो, पता हमने सपने में कहा देखो, हमने देखो कि हम कांस्टेबल थे, सीनियर इंस्पेक्टर बन गए सर, और आपके पार्टनर भी बन गए, और आपके संग में इंटरव्यू भी दे रहे हैं सर। कसम से सर, जिंदगी में पहली बार ऐसा फील हुआ कि भरतपुर से जय तो करने के काजे आए थे हम। क्या सोने? सीनियर इंस्पेक्टर बनने सर। तो ऐसे बनेगा तू सीनियर इंस्पेक्टर? सो सो के सपने देख देख के तू बनेगा सीनियर इंस्पेक्टर? नहीं सर, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो मेहनत कर, काम कर, करवाओ। तो सुन, यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, ग्राहक लोग हैं, एक एक आदमी का स्टेटमेंट ले और सारे दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक कर, जा काम कर ले। हवाल लो, ये तो हमारी बाई चुटकी को खेले सर। हवाल स्टेटमेंट लेकर के नहीं आना। एक ने भी अगर झूठ कही, हमारे सवाल का जवाब नहीं दियो और झूठ बोलने की कोशिश करी तो दारी के तुम्हारे गंगा पिछाड़े में दर्द। ए क्या कर रहा है ये? तो स्टेटमेंट लिखवाने से पहले भाग गए सर। इधर दिखा, डंडा दिखा अपना। अब तू भाग, भरतपुर रहते पूछते हैं क्या कभी? हमारे भरतपुर में तो ऐसे स्टेटमेंट लिखवाए जावे ऐसे? हम्बे चले, अच्छा चल निकाल, चल जल्दी कर, चल चल डाला, चल। हेलो बल्ली बावली, हाँ खोल खबरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। ए, तेरे पास कोई एक्स्ट्रा लाश पड़े ली क्या? 2 घंटे के लिए उधार देना यार, 2 घंटे में भिजवा दो वापिस। अरे बस क्या भाई, अपन तुमसे वापिस लेंगे क्या? अरे रखो ना छोटे भाई की तरह, दे चल दे तू जल्दी डाल चल। अरे भाई आपको नहीं बोला, हाँ ओके अपन इधर वसूली के लिए आयला है, इसको लेटा के बेचता है ना, इधर भेजने का बोलो।
अबे मार डाल वे जल्दी तू। ले जाके नहीं भेजने करे बाबा, रेडीमेड को लाश हो तो भेज तू। हो जाएंगे भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इधर एक हॉस्पिटल है, उधर मुर्दा घर से उड़ा के भेजता है अपन। हॉस्पिटल का नहीं 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 नहीं, तो एक काम करता है ना अपन, वो ढोंगरी गली के पास में कब्रिस्तान है ना, उधर से एकदम ताजा माल लेके आता है ना। बिल्कुल नहीं समझान का यार, ये तू डाल दे। चलेगा चल, फोन रख तू, फोन रख, फोन रख, मरवाएगा साला, हट। अरे क्या भाई, ए इधर ये दिमाग खराब कर रहा भाई, इधर तू अबे माल डाल बे जल्दी तू, ये क्या डाल रहा है, इधर चल दे दे चल। अरे लुक्का गई का साला, माल देने डाल देगा अंदर साले। आदित्य कहाँ है तू? क्राइम स्पॉट पर हूँ सर, एक हादसे की इन्फॉर्मेशन मिली थी तो क्राइम स्पॉट पे आया, यहाँ पर लाश मिली है सर। लाश मिली है? किसकी सर? ये है कैलाश गुप्ता नाम है सर, डायमंड ट्रेडर है, डायमंड का छोटा मोटा धंधा करते हैं सर। सर अब ये मर्डर है, नेचुरल डेथ है या कोई हादसा है सर, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अभी क्या करेगा लाश का? सर करना क्या है, पहले पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बाद में पहले उसके हाल क्या? लाश हेडक्वार्टर लेके आऊं सर? क्यों लेकिन? लेके आ रहे मैं, बाद में बताता हूं। लेके लेके जल्दी लेके जल्दी, ला 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 ला। ओके सर लेके आता हूं। फोटो खींचो, टाइम पास कहाँ कर रहे हो यार?